बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान करीब 9 सालों बाद अपना शो 10 का दम लेकर आए थे। शुरू से ही फैंस उनके इस शो को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित लग रहे थे। फैंस को उनका ये शो काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा था, लेकिन सलमान खान के इस शो को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सलमान खान का ये शो बंद होने जा रहा है। एक अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक सलमान खान का 10 का दम शो लोगों को अब ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है और यही बड़ी वजह है कि सलमान खान का ये शो बंद होने के कगार पर आ गया है। लेकिन अब लोग सोच रहे होंगे कि सलमान खान का ये शो बंद होगा तो इसकी जगह कौन सा शो लेगा। तो आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शो की जगह अब अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति लेगा। खबरों के मुताबिक 3 सितंबर को रात 8:30 बजे से सोनी टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति ऑन एयर होना है और ऐसे में संभव है कि सलमान खान का 10 का दम शो खत्म करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो सलमान खान के लिए सिर्फ एक यही मुसीबत नहीं है, इसके अलावा वो और मुसीबत में भी फंसे हैं। अभी हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बुजुर्ग NRI दंपति ने सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाया है। बुजुर्ग दंपति का कहना है कि पनवेल इलाके में स्थित सलमान के फार्म हाउस के बगल में उनकी जमीन है जिस पर वो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन सलमान खान की तरफ से उन्हें रोका जा रहा है। वैसे देखा जाए तो सलमान खान इन दिनों मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ उन पर बुजुर्ग दंपति को परेशान करने का आरोप लग रहा है, वहीं दूसरी ओर उनका शो 10 का दम बंद होने के कगार पर आ गया है।